साथ बलात्कार किए थे, जिन्होंने मंदिर तोड़े थे, और जब उनको समझ में आ गया अब भारत में नहीं रह सकेंगे, वो पाकिस्तान चले गए थे। उनकी निष्ठा भारत के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ थी। तुम उन्हीं की विरासत को लेकर आगे चले हो। 15 मिनट पुलिस हटा लो, शाहीन बाग में हटी थी ना, अभी जाफराबाद में हटी थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? ट्रंप भारत में आ रहा है, पूरी दुनिया में भारत की विजय का डंका बज रहा है, उन्हीं दिनों में दंगा करोगे? हिंदू गफलत में था, एक दिन मार खा गया, लेकिन जब दूसरे दिन भी पुलिस नहीं थी तब वहां क्या हाल हुआ, एक बार लिस्ट उठाकर देख लेना मरने वालों की। नलायकों, भारत का इतिहास उठाकर देख लो, 47 से पहले का नहीं, 47 से बाद का, और 47 से बाद का नहीं, 92 के बाद का हिंदुस्तान देख लो। ये पहले वाला भारत नहीं है, अब भारत बदल चुका है, हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देता है, केवल देता नहीं है, उसको मुंह तो उसको घुटने टिकाकर मजबूर कर देता है हार मानने के लिए। इतिहास समझ लो, हमको बताने की जरूरत नहीं है, आगे से ये गीदड़ भपकी मत देना, ये तुमको समझ में आना चाहिए। बेहूदी बातें, जितने भी मुस्लिम नेता हैं सड़क छाप भाषण देते हैं, वही औकात है। एक ने कह दिया, इसी के एक दूसरे अबू ने, बड़े वाले ने, CAA का विषय चल रहा था, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, वो कहता है हिंदुओं तुम्हें किसने रोका है, करो तुम भी, चार बीवियां यदि ताकत है तो, एक को संभाल नहीं पाते, ऐसे बेहूदी बातें की थी, तुम भी करो 20 बच्चे, तुम्हें कौन रोक रहा है, और नहीं होते तो फलाने का पान खा लो। ओवैसी, ध्यान कर लेना, हम भगवान राम के अनुयायी हैं, एक पत्नी व्रतधारी हैं, मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री को मां के समान समझो, ये छत्रपति शिवाजी ने हमको आदेश दिया है, हम उस आदेश का पालन करने वाले हैं। अगर शादी का मुकाबला करना है तो कुत्ते से कर लो, पीछे रह जाओगे, मुकाबला नहीं कर सकते तुम। बच्चे पैदा करने का मुकाबला करना चाहते हो, दुनिया के सभी सभ्य समाज आज परिवार नियोजन कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य की चिंता है, देश की चिंता है, केवल दो लोग नहीं करते, एक जानवर नहीं करता।